तू बाज नहीं आएगा, चला जा, नहीं तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। अगर तू मेरा फोन उठा लेती तो मैं तुझे अपनी शक्ल ना दिखाता। जब बात नहीं करना चाहती तो फोन क्यों उठाऊंगी मैं तेरा, समझ नहीं आती तुझे? तुझे बताना था कि वो घर पहुंच गई। शर्म कर, शर्म कर बेशर्म इंसान। तू मुझे ये बताने के लिए आया कि वो घर पहुंच गई है और तुझे ये लग रहा है कि ये जानकर मुझे खुशी मिलेगी? शर्म नहीं आती तुझे? इतनी से भी शर्म नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर। असलियत अच्छी तरह जान चुकी हूं मैं तेरी। अपनी बकवास खत्म कर ली है ना तो दफा हो जाए यहां से। मधु, इसको बोलो कि जाए यहां से अभी। तुझे एक और बात बतानी है। वो जो उसका बूढ़ा बाप था ना, वो मर गया। क्या? जब मैं उसे वहां लेकर पहुंचा तो उसका जनाजा सामने पड़ा था। मुझे कभी माफ मत करना, कभी भी नहीं। ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है। क्यों चुप है तेरी खुदाई, क्या करूं? दिले दुश्मन जा बना, तौबा तौबा। की ज़बान है बना साथ मेरे। मोहब्बत की इतनी बेहरमती, मुझे हमेशा के लिए चले। तुम कहाँ थी वहां, किसके साथ थी? अंकल तुम्हें गली में ढूंढते फिरते थे। इसे नहीं हो सकता, मुझे नहीं जा सकती, मुझे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। चलो, अंकल की मैयत को ले जा रहे हैं। मुझे नहीं गए, सब जो मैं अम्मा जी कहीं नहीं गए। आखिरी बार दीदार कर लो। मुझे नहीं गए। चल आ जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये। वो इनायत अंकल की मैयत को ले जा रहे हैं। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। अब आ गए हो हमारी इज्जत का जनाजा देखने के लिए। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। और तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मरा है। कुछ नहीं, मैं अपोजी के कातिल को उनका चेहरा नहीं देखने दूँ। यही सजा है तुम्हारी। तुम यहां क्यों खड़ी हो बेटा? तमाशा देख रही हो यहां पे? निकलो यहां से, निकलो यहां से, दफा हो। खोले, खोले, खोले। कि कौन से वाली लड़की भागी है? पता नहीं, यहाँ पे तो ये नजर आ रही है। वो मेरा ख्याल शायद ऊपर है। अच्छा, कुछ पता चला किसके साथ भागी है? ये तो मुझे पता नहीं है, बेचारा बाप इसी सदमे में ही मर गया।
जाहिर है बाप ने मरना ही था, जी कर भी भला क्या करता। बेटी के भागने की बदनामी कम होती है क्या? बेचारे अनायल साहब भी मारे मारे फिरते रहे। मेरा मियाँ बता रहा था पुलिस वालों ने भी खूब सुनाई इनको, ये लड़कियां तो भाग जाती हैं, बेचारे बाप और भाई को बदनामी उठानी पड़ती है। लगता नहीं था इनायत साहब की लड़कियां ऐसे निकलेंगी। मैंने तो अपनी लड़कियों को सख्ती से कह दिया लड़कियों से कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ हमारे घम पाटने आई हैं या गीबत करने? जो सच था हमने वही कहा। यहाँ पे कोई अदालत नहीं है जो आप लोग सच और झूठ के फैसले कर रही है। तौबा तौबा, कितनी जबान चलती है तुम्हारी, हम तो यहाँ मुरव्वत में आ गए थे। बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का, अब जा सकते हैं आप लोग। चलो बहन हम चले। आतिफ भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसने आपके साथ मेरी लाइन बताइएगा, उसने आपके साथ कोई दगाबाजी नहीं की। क्या मुसीबत है यार, तुमसे एक लफ्ज दगाबाजी नहीं याद होता? सर दगाबाजी लफ्ज चेंज कर देते हैं। क्यों बदल दूं? अब एक छोटी सी आर्टिस्ट के लिए सारा का सारा डायलॉग बदल दूं? 10 बार रिपीट करो इस लफ्ज को, बोलो दगाबाजी 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 दगाबाजी। तू तो बड़ी तारीफें कर रहा था, इससे तो एक लफ्ज नहीं बोला जाता। अब 20 सीन करवाने के बाद इस आर्टिस्ट को तब्दील कर दूं? कल भी एक लफ्ज इसको नहीं आ रहा था, क्या लफ्ज था वो? मुत्तफिका तौर पर। हाँ मुत्तफिका तौर पर। सर राइटर ने उर्दू भी तो कितनी मुश्किल लिखी है इसके ऊपर। तू ऐसा कर, स्क्रिप्ट उठा, राइटर के पास जा और उसको कह के आसान उर्दू लिख कर दे। हाँ पहली जमात वाली उर्दू लिखवा कर लाना, और अगर फिर भी ना हो तो ऐसे आर्टिस्टों को उठाकर इस सेट से बाहर निकाल। अबे यार पफिंग करो इसकी, रो रो कर चेहरा खराब कर रही है, ये सब कुछ स्क्रीन पर नजर आएगा। I'm sorry, sir. मोहब्बत की बतवा लगती है, देखा उधर तुमने मोहब्बत को धुतकारा और इधर मोहब्बत की आप नाकाम दिखा गई। मोहब्बत का एहतराम कर पगली, वरना रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे। अरे मोहब्बत तो आर्टिस्ट को डेप्थ देती है, उसकी उसकी रूह को मांझती है, और डायलॉग्स का खेल ये तो रूह का मामला है। जितना अपनी रूह को मोहब्बत से मांझेगी, डायलॉग्स की बारिश भिगो देगी तुझे। ठीक है चल पगली, गुड लक। रोल एक्शन। आतिफ भाई मेरा यकीन करें, वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसने आपके साथ कोई दगाबाजी नहीं की है। उसकी नीयत में इतनी शफाफ है कि अगर आप उसके दिल में झांक कर देखेंगे ना तो आपको अपना चेहरा नजर आएगा, मैं सच कह रही हूं। कट।